हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो हम लोगों का चैप्टर वन का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर वन में हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक चीज के बारे में बात किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पूरा अकाउंटेंसी के बारे में बात किया था, अकाउंटेंसी के टाइप्स के बारे में बात किए थे, गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस किया गया था। सारा का सारा सेकेंड लेक्चर में हमारा कवर हो चुका था और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे आज बताने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? गैप। गैप, इसका सबसे पहले तो आपके एमसीक्यू के एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले गैप का फुल फॉर्म आपको याद करना है, क्योंकि आपका फुल फॉर्म भी आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में एग्जाम में आ सकता है। याद रखिएगा, गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब क्या होता है सर, मैं बताता हूं। आपको पता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग रूल्स के बारे में बात करता है। यस सर। कोई अकाउंटिंग लॉ के बारे में बात करता है। यस सर। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग लॉ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग लॉ। और जनरली एक्सेप्टेड का मतलब समझ पा रहे हो आप? देखो, होता क्या है ना, आपको जैसे पता है कि बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट में जो बनता है एक्सपीरियंस के बेस पे बनता है। कभी कोई कोई जैसे जैसे कारीगर लोग होता है, जैसे जो मिस्त्री लोग होता है, लकड़ी का जो कारपेंटर लोग होता है, वो लोग क्या करता है, जब लकड़ी का काम करते 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 बहुत सारा एक वो लोग सीख लेता है कि इस तरीके से ये काम करेंगे, इस तरीके से असेंबल करा जाएगा। करते करते वो लोग सीखते हैं, करते करते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। वैसे ही अकाउंटेंसी में क्या किया गया, जैसे जैसे अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस बढ़ा, काम करते गए, अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए, वैसे वैसे जैसे जैसे काम करते गए, वैसे वैसे नया नया एक्सपीरियंस गेन हुआ। और उस एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल तैयार किए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तैयार किए। उसी को बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरल लेवल पे सभी कोई एक्सेप्ट करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड का बात किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अकाउंट्स इसी तरीके से मेंटेन करता है। और वो जो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो सभी को फॉलो करता है। इसी को बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप बेसिकली वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया गया है, एक स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल बनाया गया है। और ये स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल जो है, ये सारे के सारे वर्ल्ड में सारे के सारे अकाउंटेंट, सारे के सारे बिजनेसमैन, सारे के सारे कंसर्न, सारे के सारे कंपनीज हम लोग गैप ही यूज करते हैं। तो गैप एक बहुत बड़ा बॉडी है। गैप के अंदर में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS सब का सब आ जाता है। ठीक है, देखिए, गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्डाइज समझ में आता है? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया हुआ प्रिंसिपल। स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स प्रोसीजर दैट कंपनीज यूजेस टू कंपाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट समझ लो। अकाउंट्स को कंपाइल्ड करने के लिए जो एक कंपनी यूज करता है, उसे कहते हैं गैप। ठीक है, गैप बेसिकली गैप के अंदर में क्या क्या प्रिंसिपल आता है, देखो सबसे पहला प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। सर, कंसिस्टेंसी क्या होता है समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड्स है। तो ये प्रिंसिपल है, वो ये मानता है कि आप किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर एरिया में यदि आपने कोई एक मेथड यूज कर लिया, तो आप उसी मेथड को फ्यूचर में भी यूज करोगे, ऐसा मान के अकाउंटेंसी बनाया जाता है। आप लोगों के, जैसे आप क्लास 11 में हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों के डेप्रिसिएशन सिलेबस में नहीं है, बट अभी के लिए आप समझ दो डेप्रिसिएशन। आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन का दो मेथड है। ठीक है, देखो बेसिकली आप डेप्रिसिएशन जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं बच्चे, आप उसको इग्नोर कर सकते हो मैं जो भी बोलने वाला, बट फिर भी आप, मैं बोल दे रहा हूँ, समझ लो। डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, एक WDV मेथड और एक SLM। तो सपोज मान लीजिए किसी फर्नीचर में आपने SLM लगाया, तो ये माना जाता है कि अगले साल भी आप SLM ही लगाओगे, अगले साल भी SLM लगाओगे, SLM लगाओगे, SLM लगाओगे, और आने वाले समय भी SLM लगाओगे। ऐसा नहीं होगा कि इस साल SLM, कल मन कर रहा है अगले साल WDV, फिर WDV के बाद फिर SLM, फिर WDV, ऐसा नहीं होगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी अकाउंटेंसी। एक बार जो आपने अडॉप्ट कर लिया, जो मेथड को अडॉप्ट कर लिया, उसको आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको यूज करोगे। देखो क्या हुआ, देखो, अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर।
अलाउिंग द मीनिंगफुल कंपैरिजन ओवर द टाइम। नाउ मैटुरिटी का मतलब क्या होता है समझते हैं। मैटुरिटी का मतलब होता है अकाउंटेंसी आप उसी चीज को रिकॉर्ड करोगे जो एक्चुअल में रिकॉर्ड करने लायक होगा। आप सपोज मान लीजिए एक फर्नीचर का, मान लीजिए आपने एक ऑफिस खोला और ऑफिस में 2 रुपए का आज एक इंक इंक पॉड लेके आया, मान लीजिए सॉरी सॉरी इंक लेके आया मतलब रिफिल भराया, मान लीजिए पेन में एक रिफिल भराया, तो आप 3 रुपए का अकाउंटिंग उसमें रिकॉर्ड करोगे? नहीं, एक ही बार क्या करोगे सबको जितना भी स्टेशनरी का खर्चा है, पेन पेंसिल का, पेंसिल का सभी का खर्चा एक बार में जोड़ के आप अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करोगे कि हाँ प्रिंटिंग का पूरे साल भर में मेरे को 1200 रुपए का खर्चा हुआ। इसको बोलते हैं मैटुरिटी कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंट्स में वही डिस्क्लोज करो जो एक्चुअल में रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब होता है जो एक्चुअल में जरूरी हो, फालतू का कोई भी खर्चा रिकॉर्ड मत करो। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, मतलब अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करना। ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट मतलब होता है जरूरी वाला इन्फॉर्मेशन, दैट could influence the decision of users. Information is considered to be material and its omission of misstatement could influence the economic decision of the users. Next point, going concern. अच्छा, accountancy का एक बहुत fundamental rules रहा है कि हम लोग जब भी अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करेंगे ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा अकाउंटेंसी, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, इस साल का बिजनेस अगले साल भी चलने वाला है, ये सोच के चलेंगे। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। कंसर्न मतलब होता है बिजनेस, गोइंग मतलब होता है चलता रहेगा, मतलब जिंदगी जिंदगी चलती रहेंगी, बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, इस चीज को सोचते हुए लोग अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करता है। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अ फॉरसीएबल फ्यूचर। फॉरसीएबल फ्यूचर मतलब होता है, फॉरसीएबल मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट फ्यूचर। कंपनी की कोई लाइफ नहीं होती, आपको पता होगा कंपनी कंपनी डे टू डे, देखो कंपनी का जो मालिक होता है भले मर जाता है पर कंपनी जिंदा ही रहती है। जैसे टाटा कंपनी, टाटा कंपनी को बनाने वाला कौन थे, टाटा कंपनी को बनाने वाला जमशेदजी टाटा थे, बट फिर भी टाटा कंपनी अभी भी सर्वाइव कर रही है। इसको बोलते हैं फॉरसीएबल फ्यूचर। हम लोग अकाउंटेंसी में जब भी अकाउंट्स में कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं ये सोच के रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा लाइफ जो है, हमारे बिजनेस का जो लाइफ है वो फॉरसीएबल है, इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं कि अगले साल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। याद रखिएगा अकाउंटेंसी में आप उसी चीज को रिकॉर्ड कीजिएगा जिसका आपके पास एविडेंस होगा, प्रूफ होगा। मतलब बिना बिल के परचेस को अकाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने लिखा है अकाउंटेंसी में कि आपने 10,000 रुपीज का सामान खरीदा है, तो आपके पास वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, रेलिवेंट एविडेंस होना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रूफ कर पाओ। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। और नेक्स्ट होता है क्या, फुल डिस्क्लोजर। अब फुल डिस्क्लोजर का मतलब मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया, डिस्क्लोजर का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड include all the necessary information for user to understand the financial position of the company. A company ke financial position ko understand karne ke liye jo bhi information chahiye hoga, sara information ko aap usko notes ke zariye, working note ke zariye, explanatory notes ke zariye aap usko zarur se record karo. Ye hamara gap bolta hai. समझ में आया क्या सर? यस सर, गैप समझ में आया क्या सर? अब आते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो अपने को जानना जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। आइए समझते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग अकाउंटेंसी, एक अकाउंटेंट जब अकाउंटेंसी बनाने जाता है तो अपने माइंड में कुछ कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेके चलता है अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करते वक्त। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। सबसे पहले पॉइंट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद रखें ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है, इसको हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब होता है बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ हैव अ डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी। हम लोग ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, अलग है। दोनों को एक मत मानो, दोनों को अलग अलग मानो। मुकेश अंबानी और रिलायंस लिमिटेड दोनों को अलग अलग मानो, दोनों को एक 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 मानने की जरूरत नहीं है, या एक मानने की गलती मत करना। सेपरेट लीगल एंटिटी बोलो या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट में एक चीज कॉमन है। क्या बोला गया है, बिजनेसमैन एंड द बिजनेस बोथ हैव अ डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी। सुनवाए क्या बात? यस सर। इसी के तहत हम लोग याद करो, हम लोग जब कैपिटल, जब भी बिजनेसमैन कभी कैपिटल अपने बिजनेस में डालता है, कैपिटल पूंजी जब बिजनेस में डालता है, तो याद रखना जब पूंजी बिजनेस में डाला जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं, उसको लायबिलिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो, हम अलग हमारा बिजनेस अलग हम अपने बिजनेस को 1,00,000 रुपए एज ए इन्वेस्टमेंट दिए तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये मेरे को प्रॉफिट देगा, बट इसके लिए तो ये कर्जा है ना। इसी के चलते कैपिटल को हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है मालिक और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद द बिजनेस मस्ट बी सेपरेटली रिकॉर्डेड फ्रॉम द दोज हु द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, डूइंग सो रिक्वायर्ड टू यूज द सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दोनों को अलग अलग अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी की तरह हम लोग ट्रीट किया जाता है। आ जाओ
ठीक है। अच्छा रीजन, अब ये रीजन पढ़ने का दरकार नहीं, खाली एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट ट्रैक ऑफ टैक्सेस देखो। अच्छा किस लिए करते हैं बताते हैं, क्योंकि देखो एक बात बताओ, बिजनेस मतलब रिलायंस कंपनी को अलग टैक्स देना है, मुकेश अंबानी को अलग टैक्स देना है? आंसर इज यस, अलग अलग टैक्स देना। तो जब अलग अलग दोनों को टैक्स अलग अलग देना है, दोनों का अकाउंटिंग भी तो अलग अलग होना चाहिए ना, इसके चलते अकाउंटेंसी बोलता है कि नहीं बिजनेसमैन और बिजनेस क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंसी बोलता है कि आपको अकाउंटेंसी में बस उसी उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो जिसको एक्चुअली में पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर पाओ। देखो द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द बिजनेस शुड बी ओनली रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, वही अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो इफ इट इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम लोग मनी के टर्म में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, मनी के टर्म में इसे इसे क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ही उसको रिकॉर्ड करो, अदरवाइज रिकॉर्ड मत करो। ये हमारा अकाउंटिंग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है। ये हो गया। एक होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। गोइंग कंसर्न मतलब होता है बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए, फॉरसीएबल मतलब होता है इनफाइनाइट लाइफ के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, देखो हमेशा ये रखना, अकाउंटेंसी जब भी अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अकाउंटेंसी रिकॉर्ड होता है, ये साल भर का हो सकता है, हो सकता है ये 3 महीने का हो सकता है मंथली हो, ये अकाउंटिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है, बट अकाउंटेंसी शुड बी अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। देखो एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एस्टैब्लिश रेंज ऑफ टाइम डूइंग द अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म एग्रीगेटिंग टू द एनालाइजिंग एन अकाउंटिंग पीरियड में भी कंसिस्टेंट। देखो ये वीकली हो सकता है, ये मंथली हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, ये कैलेंडर ईयर का हो सकता है, या फिर फिस्कल ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी आप अकाउंटेंसी में जब भी अकाउंट्स में आप कोई भी एसेट्स को खरीदते हो तो उसको आप हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करो। मतलब आपने मान लीजिए आपने एसी खरीदा, आपने एसी खरीदा 1 लाख रुपए में, बट जैसे आप खरीदे तो जैसे आप लेके आ रहे थे तो आपके शर्मा जी ने बोला कि अरे भैया आपको पता है क्या यार 1 लाख रुपए में ये एसी खरीदा, ये तो मार्केट में 90,000 में मिल जाएगा। तो याद रखना हम लोग अकाउंटेंसी में हम लोग 1 लाख ही रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग अकाउंटेंसी ऐसा बोलता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी का हर एक ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट पड़ता है, एक डेबिट और दूसरा एक क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजेक्शन को भी 2 जगह पर रिकॉर्ड करना होता है, एसेट एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, इसी को बोलते हैं ड्यूअल कॉन्सेप्ट। देखो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज दैट रिफर्स टू द प्रिंसिपल दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज व्हाट क्रेडिट एस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बस हो गया, ये आपका खत्म हो गया आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी, हमारा लेक्चर नंबर 3 भी खत्म हो गया और हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी हमारा इसी के साथ हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और आपको पता है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, एक एक वीडियो का रिवीजन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 11 अकाउंटेंसी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अकाउंट्स का एक एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहां पर कवर किया है, एक एक एमसीक्यू कवर करेंगे हम लोग आस्ते आस्ते आपके साथ। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने स्कूल ग्रुप में, और यदि आपने पहली बार इस पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर चैनल्स की वीडियो को देखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।